ऑटोकैड सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि ऑटोकैड में टेक्स्ट जस्टिफिकेशन कमांड किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, टेक्स्ट जस्टिफिकेशन कमांड है एक्सप्रेस मेनू का कमांड है और उसका शॉर्ट की है TJS या TJ। ये इस्तेमाल करके आप टेक्स्ट जस्टिफिकेशन कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये कमांड टेक्स एक्सप्रेस मेनू में टेक्स जस्टिफाई टेक्स के नाम से ये कमांड है। तो उसे किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या है। तो उसमें इतने सारे पॉइंट है, जैसे कि स्टार्ट पॉइंट, सेंटर, मिडल, राइट, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट। तो इस तरह से इतने पॉइंट है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये पॉइंट किस तरह से है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो पहला है स्टार्ट पॉइंट। तो स्टार्ट पॉइंट ये देखिए, मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए, टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे एक पॉइंट दिखाई दे रहा है। ये देखिए, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, तो इससे क्या होता है, स्टार्ट पॉइंट से ये आपका स्टार्ट पॉइंट है और आप जब भी टेक्स्ट लिखेंगे तो आप राइट साइड में लिख सकते हैं। ये देखिए, मैं एडिट करता हूँ, को बताता हूँ। ये देखिए, इस तरह से वो आगे आगे जाएगा। तो इस तरह से स्टार्ट पॉइंट है। उसके बाद सेंटर पॉइंट। तो देखिए, टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट किया तो ये सेंटर पॉइंट है। तो ये दो डायरेक्शन में टेक्स्ट आपका लिखते जाएगा, सेंटर से राइट साइड और लेफ्ट साइड में। आपको बताता हूँ, ये देखिए इस तरह से, ये है सेंटर। उसके बाद मिडल। सेंटर और मिडल सेम ही है लेकिन पॉइंट में फ़र्क है। देखिए, इसका पॉइंट यहाँ पे है टेक्स्ट के सेंटर में और इसका बॉटम में, सेंटर बॉटम बॉटम साइड में है। तो यही फ़र्क है और दोनों का टेक्स्ट सेम दोनों साइड में जाएगा, इस तरह से है। उसके बाद है राइट। तो राइट में टेक्स्ट इस तरफ जाएगा लेफ्ट साइड में और उसका पॉइंट यहाँ पे रहेगा। आप एडिट करेंगे तो ये देखिए, इस तरह से जाएगा लेफ्ट साइड में। उसके बाद है टॉप टॉप लेफ्ट। तो उसका पॉइंट देखिए टेक्स्ट के ऊपर की तरफ है। तो ये उसका पॉइंट है टेक्स्ट का टॉप लेफ्ट। तो आप टेक्स्ट एडिट करते हो राइट साइड में जाएगा, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद है टॉप सेंटर। तो उस टेक्स्ट का जो पॉइंट है वो ऊपर की तरफ है, सेंटर में ऊपर की तरफ, इसलिए उसका नाम है टॉप सेंटर। तो आप उसको एडिट करेंगे तो वो दोनों तरफ जाएगा इस तरह से, लेकिन उसका पॉइंट ऊपर की तरफ है। उसी तरह है टॉप राइट। तो टॉप राइट का ये देखिए, इसका पॉइंट ऊपर की तरफ है टॉप साइड में, राइट साइड की तरफ, टॉप साइड में। और उसको टेक्स्ट एडिट करेंगे तो वो लेफ्ट साइड में इस तरफ जाएगा, जैसे कि मैंने एरो बताया है। उसके बाद मिडल लेफ्ट। तो मिडल लेफ्ट ये देखिए, ए टेक्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये मिडल मिडल में उसका पॉइंट है। तो यहाँ से वो स्टार्ट होगा टेक्स तो राइट की तरफ इस तरह से जाएगा एरो की पोजीशन में। उसी तरह मिडल सेंटर। तो उसका पॉइंट ये देखिए, ये मिडल की तरफ है टेक्स का पॉइंट। तो यहाँ से वो दोनों की दोनों तरफ राइट साइड और लेफ्ट साइड में एक्सटेंड होते जाएगा। मुझे उसी तरह मिडल राइट है, तो देखिए उसका पॉइंट इधर है राइट साइड में मिडल की तरफ, तो लेफ्ट साइड में टेक्स बढ़ते जाएगा अगर आप लिखेंगे तो, जैसे कि मैंने एरो पोजीशन दिखाया है। उसके बाद है बॉटम लेफ्ट। तो बॉटम लेफ्ट ये देखिए, टेक्स का बॉटम का पॉइंट है। तो यहाँ से वो इस तरफ एरो के राइट साइड की पोजीशन की तरफ टेक्स बढ़ते जाएगा। उसी तरह है बॉटम सेंटर। तो उसका पॉइंट ये देखिए यहाँ पे रहता है टेक्स के बॉटम साइड में, इस तरह से। तो बॉटम सेंटर पे है वो, टेक्स के बॉटम सेंटर में। तो टेक्स आप लिखेंगे तो दोनों तरफ बढ़ेगा। जो ये पोजीशन दिया हुआ है वो टेक्स का जो पॉइंट रहता है स्टार्ट पॉइंट, उसका पोजीशन दिया हुआ है। तो लास्ट है हमारा बॉटम राइट। तो बॉटम राइट ये देखिए पॉइंट यहाँ पे है इस तरह से। तो इस तरह से टेक्स के पोजीशन है। तो दोस्तों, अभी हम देखेंगे एक पॉइंट किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये पहले टेक्स को सिलेक्ट करता हूँ, प्रॉपर्टी में जाता हूँ और इसका पोजीशन है देखिए, इधर मैं देता हूँ लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड मतलब वही स्टार्ट पॉइंट है। तो ये देखिए, वो यहाँ से स्टार्ट होगा। उसके बाद ये देखिए, ये टेक्स है, सबका पोजीशन मैंने लेफ्ट साइड रखा हुआ है।
वो आपको बताने के लिए कि उसमें क्या चेंजेस होते हैं। तो इसका पोजीशन मैं अभी सेंटर करता हूँ, देखिए यहाँ पे सेंटर है तो इसका सेंटर करता हूँ। तो देखिए इसमें क्या, ये जो टेक्स है सेकंड टेक्स, उसमें क्या चेंजेस होगा। तो ये देखिए यहाँ पे लेफ्ट है तो सेंटर करता हूँ। ये देखिए तो टेक्स जो स्टार्ट पॉइंट था वहाँ से वो सेंटर पॉइंट बन गया और टेक्स का पोजीशन चेंज हो गया इस तरह से। अभी हम तीसरा टेक्स देखते हैं मिडल, मिडल में क्या होता है। तो यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ मैं, ये देखिए मिडल, तो मिडल भी सेम उसी के जैसा आया, उसी के जैसा हो गया, लेकिन पॉइंट अलग अलग है लेकिन मिडल साइड में है। उसके बाद राइट साइड में किस तरह से होता है देखिए, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ राइट, ये देखिए तो राइट इस तरह से आया। ये पॉइंट जो स्टार्ट पॉइंट था लेफ्ट था वो अभी उसका राइट पॉइंट हो गया इस तरह से। तो अभी टॉप लेफ्ट देखते हैं, ये देखिए मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ टॉप लेफ्ट। तो ये देखिए जो ये पॉइंट जो ऊपर था वो अभी वो पॉइंट नीचे आके उसका पोजीशन चेंज हो गया, तो इस तरह से है। अभी टॉप सेंटर देखते हैं, तो ये मैं सिलेक्ट किया और यहाँ से देता हूँ टॉप सेंटर, ये देखिए। तो देखिए ये जो पॉइंट इधर, ये पॉइंट जो इधर था वो पॉइंट चेंज होके इधर आ गया और ये जो स्टार्ट पॉइंट था वो टॉप सेंटर हो गया इस तरह से। अब देखिए ये पॉइंट है टॉप राइट, तो इसको मैं टॉप राइट करता हूँ। ये देखिए सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ से मैं प्रॉपर्टी से करता हूँ टॉप राइट। तो ये देखिए वो इस तरह से चेंज हो गया, जो स्टार्ट पॉइंट था वो टॉप राइट साइड राइट पॉइंट हो गया। तो इस तरह से पॉइंट चेंज होते हैं। तो उसके बाद का पॉइंट देखते हैं हम मिडल लेफ्ट। तो ये देखिए स्टार्ट पॉइंट है ये, तो उसको मिडल लेफ्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ से मिडल लेफ्ट। तो देखिए ये जो पॉइंट ऊपर की तरफ था वो नीचे आया और वो जो स्टार्ट पॉइंट था वो मिडल पॉइंट हो गया, मिडल लेफ्ट हो गया इस तरह से। उसके बाद ये देखिए ये है मिडल सेंटर, तो इसको मैं करता हूँ मिडल सेंटर। तो ये देखिए इस तरह से चेंज हो गया। उसके बाद है मिडल राइट, तो देखिए उसको सिलेक्ट करता हूँ मैं और यहाँ देता हूँ मिडल राइट। तो देखिए ये पॉइंट है मिडल का और वो राइट साइड में हो गया इस तरह से। तो उसके बाद है बॉटम लेफ्ट, ये देखिए ये भी देते हैं बॉटम लेफ्ट। तो देखिए ये जो स्टार्ट पॉइंट था वहाँ से वो बॉटम लेफ्ट हो गया। और फिर से देखते हैं, अभी देखिए ये स्टार्ट पॉइंट है, उसको मैं चेंज करता हूँ बॉटम सेंटर में, देखिए इसको क्या होगा। देखिए यहाँ से मैं बॉटम सेंटर करता हूँ, देखिए ये पॉइंट था जो स्टार्ट पॉइंट था लेफ्ट साइड, तो वो बॉटम पॉइंट होके मिडल में आ गया। देखिए इस तरह से बॉटम सेंटर हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया। उसी तरह से लास्ट पॉइंट है बॉटम राइट, तो इसको हम देखते हैं। तो ये देखिए बॉटम राइट वो इस तरह से चेंज हो गया। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि जस्टिफिकेशन करने से जो जस्टिफिकेशन के जो ये पॉइंट है सेंटर पॉइंट मिडल पॉइंट, उसके करने से टेक्स जिस पॉइंट पे रहेगा उस साइड उस पॉइंट से वो ऐसे हिलते रहता है, मतलब इस पोजीशन जो पोजीशन रहेगा उसके हिसाब से हिलते रहता है। तो ये जस्टिफिकेशन है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि टी जस कमांड क्या है, टेक जस्टिफिकेशन कमांड क्या है। तो उसके लिए ये देखिए मैंने कुछ कॉपी किए हुए, तो उसको मैं मूव करके बाजू में लेता हूँ। तो देखिए इस सब टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, आपको बताता हूँ इसका जस्टिफिकेशन लेफ्ट साइड है। अभी देखिए मैं यहाँ पे जो उसका फर्स्ट पॉइंट है वहाँ से एक लाइन मारता हूँ, ये देखिए ये पॉइंट पे उसके लाइन है, जो जितने भी उसके पॉइंट है ना उसके ऊपर लाइन है, ये देखिए देखिए इस तरह से है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ, अगर आप इसका जस्टिफिकेशन पोजीशन यहाँ से चेंज करते हैं तो उसका पोजीशन ये देखिए इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो इसको मैं अंडू करता हूँ। अगर इसी को आप टेक जस्टिफाई जस्टिफाई कमांड से चेंज करेंगे तो उसका पोजीशन चेंज होगा लेकिन टेक्स मूव नहीं होगा, ये इस कमांड का यूज़ है। तो कैसे करेंगे तो देखते हैं। तो उसके लिए कमांड लेंगे हम टी जे, इंटर करेंगे, उसके बाद टेक्स को सिलेक्ट करना है और इंटर करना है। तो जैसे कि ये टेक्स्ट को मुझे करना है, जैसे कि मुझे इस टेक्स्ट को करना है सेंटर पोजीशन पे,
देखिए इसको सेंटर पोजीशन पे करना है, तो एक मैं करूँगा सी इंटर करूँगा खाली, और इंटर करूँगा तो देखिए इसका पोजीशन चेंज हो गया है। देखिए जो टेक्स्ट था वहीं पे रह गया, लेकिन उसका पोजीशन जो स्टार्ट पॉइंट था वो सेंटर पॉइंट हो गया। ये देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं। उसी तरह ये जो टेक्स्ट है ये लेफ्ट साइड है, अभी मैं इसको टॉप टॉप सेंटर करता हूँ इसको, ये देखिए टॉप सेंटर करता हूँ, तो ये देखिए इस तरह से उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। अभी मैं इसको टी जेस कमांड से इस्तेमाल करता हूँ, टी जे इंटर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, उसके बाद टी टॉप सेंटर ये देना है और इंटर करना है। तो देखिए इसका पोजीशन चेंज हो गया, जो पॉइंट का पोजीशन है वो चेंज हो गया, लेकिन टेक्स अपनी जगह से हिला नहीं। तो ये इस कमांड का यूज़ है। तो इसी तरह आप जितने भी पोजीशन है वो सब इस कमांड में देख के आप चेक कर सकते हैं। तो फिर से आपको मैं एक और फिर से बताता हूँ। ये देखिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से चेंज करके बताता हूँ आपको। ये देखिए मैं इसको मिडल करता हूँ, तो मिडल करने से क्या हुआ, ये टेक्स इस तरह से मूव हुआ। अभी यही टेक्स मैं टी जेस कमांड से मूव करके पोजीशन चेंज करके आपको बताता हूँ। ये देखिए इसका पोजीशन ये हो गया मिडल पॉइंट, तो इसका भी मैं वही करता हूँ। ये देखिए इस टेक्स को, तो टी जस इंटर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, उसके बाद मिडल M4 मिडल और इंटर करना है। ये देखिए तो इसका पोजीशन ये देखिए मिडल हो गया, यहाँ पे आप देख सकते जस्टिफाई में है मिडल। तो इस तरह से टेक्स्ट जस्टिफिकेशन कमांड का इस्तेमाल करके आप टेक्स्ट का पोजीशन बिना मूव किए हुए उसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से इस कमांड का इस्तेमाल होता है टेक्स्ट जस्टिफिकेशन का। तो इतने जो पॉइंट है वो आप उसमें दे सकते हैं टेक्स्ट की बिना जगह चेंज किए हुए। तो इस तरह से इस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप भी इस कमांड का प्रैक्टिस करके देखिए और हमारे आगे के वीडियो देखना ना भूलिए। शुक्रिया।